हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक स्फेरिकल रीजन है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल रीजन है, सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेरिकल रीजन है एंड दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज। इस यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो नाउ अगर मैं सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं यहाँ से ऐसे लेके आता हूँ। ठीक है, लेके आता हूँ, यहाँ पहुंच गया, फिर स्फेयर के अंदर पहुंच गया, फिर अभी स्फेयर के यहाँ से निकल गया। सो विल दिस चार्ज एक्सपीरियंस एनी फोर्स? इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि कोई भी चार्ज ना अपने वजह से ही फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम दो चार्ज होना चाहिए। ठीक है, एक चार्ज अपने चार्ज की वजह से ही फोर्स कभी एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज, स्फेयर है, स्फेरिकल रीजन है, स्फेरिकल रीजन के सेंटर में एक चार्ज रखते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो स्फेरिकल रीजन है, स्फेरिकल रीजन का रेडियस है आर। ठीक है, कैपिटल आर लेते हैं। ठीक है, सो आर इस स्फेरिकल रीजन का रेडियस है। ठीक है, और क्यू यहां पे चार्ज है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस इस रीजन में है। इन्फ्लुएंस मतलब ये चार्ज, दिस चार्ज कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज प्रोवाइडेड द अदर चार्जेस विद इन दिस रीजन। ठीक है, बाहर भी होगा फोर्स, बट बाहर फोर्स नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है फोर्स का इन्फ्लुएंस कम होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है कि नहीं? अच्छा, तो हम लोगों ने मान लिया ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर में हो गया चार्ज कैपिटल क्यू। अच्छा, अब मैं एक जो चार्ज को दूर से लेके आया था, ये चार्ज जो मैं बोला था कि स्टार्टिंग में चौक को लेके आया था, तो वो जो चार्ज है वो चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट है। ठीक है, तो ये चार्ज यहां पे जब दूर पे होगा तो इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस फोर्स, बट द मोमेंट ये चार्ज यहां पे जब पहुंच जाएगा, क्यू नॉट चार्ज यहां पे आ गया। ठीक है, अभी चार्ज यहां से आते आते अभी ये सर्फेस पे है, स्फीयर के सर्फेस पे, सो नाउ इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, फोर्स किस लिए एक्सपीरियंस कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरह होगा? वो इस तरफ होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या हुआ, देखो अगर इस चार्ज को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे चार्ज को रिमूव करता हूँ, तब तो ये चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ठीक है, बट इस रीजन में अगर मैं सेंटर में एक चार्ज को रखता हूँ, एंड नाउ इफ आई ब्रिंग दिस चार्ज, सो दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा? वो इस रीजन में एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। मतलब ये चार्ज को मैं, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, कहीं भी इस रीजन में रखता हूँ। ठीक है, इफ आई प्लेस दिस चार्ज क्यू नॉट इन एनी पॉइंट इन दिस रीजन, इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, बट इफ आई रिमूव दिस चार्ज, इस चार्ज को मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है, और तब ये क्यू नॉट को अगर मैं यहाँ पे कहीं भी रखूँ, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो चार्ज अपने वजह से तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं। ठीक है, और कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको तो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज जो है यहाँ पे, जब ये चार्ज होता है, ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, इस रीजन में, इस रीजन का प्रॉपर्टी कुछ मॉडिफाई करता है। ठीक है, इस रीजन में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ, तो दैट रीजन, दैट चार्ज is going to experience a force. Okay, so this modified space, ये जो इस charge के वजह से इसका जो surrounding space modify हो गया, ठीक है, so that space is called the electric field. Electric field, ठीक है, so this modified space around this charge is called the electric field. ठीक है, electric field. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये जो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? हम लोगों ने ये चार्ज लेके आए, ठीक है, एंड ये चार्ज लेके आए और इस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस किया, तभी हमको पता चला कि यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है एंड विच इज प्रोड्यूसिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज।
ठीक है। तो अभी मतलब फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमको समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ नामकरण किया है, ठीक है, चीजों का नाम रखा है, ठीक है। अभी और आगे बढ़ना है। तो अब देखिए ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मैग्निट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मैग्निट्यूड क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज्यूमिंग कि ये फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अगर हमको इसमें डायरेक्शन देना है, क्योंकि ये डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लगाऊंगा, वेक्टर का सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन कैसे देंगे, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आर कैप, मतलब ये फोर्स जो है वो वेक्टर आर की डायरेक्शन में है, और रेडियस वेक्टर कहाँ से, कहाँ मेजर कर रहे हैं, सेंटर से यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, तो जो फोर्स है वो लॉन्ग द रेडियस वेक्टर डायरेक्शन है, तो ये आर कैप हो गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया, दिस द मॉडिफाइड स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में एक बात है, फिजिक्स में हम लोग कोई भी क्वांटिटी को हम लोग अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेदर फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा हो, एक्सेलरेशन पढ़ा हो, फोर्स पढ़ा हो, मोमेंटम पढ़ा हो, या अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग उस क्वांटिटी को मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। इन फिजिक्स इफ ए क्वांटिटी इज डिफाइनेबल देन इट इज ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मेजर करते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड मैथमेटिकली, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। बट ये जो टेस्ट चार्ज है इसका एक फीचर होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट चार्ज ऐसे कोई भी जी जो तो चार्ज लेके हम लोग टेस्ट चार्ज से नहीं बोल सकते। ये जो टेस्ट चार्ज है, पहले चीज है कि जो टेस्ट चार्ज है इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि देखिए यहां पे आप क्या स्टडी कर रहे हैं, यू आर स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, मतलब अगर ये चार्ज यहां पे रखा है और ये चार्ज यहां पे लेके आए, ठीक है, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। बट अगर ये चार्ज खुद बहुत बड़ा चार्ज हुआ तो आप इस चार्ज को यहां पे ले आएंगे तो ये चार्ज भाग जाएगा यहां पे, ठीक है, तब आप किसका इलेक्ट्रिक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। मगर हम लोग किसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्ट्रांग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज छोटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है, छोटा चार्ज मतलब मैथ्स में क्या बोलते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, मतलब जो क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज है उस छोटा चार्ज होगा, ठीक है, बहुत छोटा चार्ज होगा, ठीक है। तो तब हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज का कंडीशन क्या है, टेस्ट चार्ज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। सो दिस इज हाउ मैथमेटिकली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये कंडीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर आर कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मतलब ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसमें सोर्स चार्ज का टर्म आ रहा है, टेस्ट चार्ज का टर्म नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स चार्ज, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ओके। सो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया, पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मॉडिफाइड स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके, एंड टेस्ट चार्ज का फीचर क्या है, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज। फिर क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज,
ओके एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज. ओके दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज. तो अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम. ओके ठीक है. सो ये चीजें हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. ठीक है, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है. ठीक है, ये हम लोग पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में नामकरण किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया. ठीक है, अच्छा अभी एक और चीज देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है. लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ बाय क्यू नॉट. ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये तो पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज. व्हाट इज दिस एफ? एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और यहां पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरफ होगा? तो यहां पे हम लोग क्या रखेंगे? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे. ठीक है, यहां पे टेस्ट चार्ज होगा. तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के वजह से फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा? ये चार्ज उसको क्या करेगा? ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, तो दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स. तो रिपल्सिव फोर्स का मतलब डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा. फोर्स का जिस तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. क्यों? देखा, समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज इस तरह मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह होगा. तो सिमिलरली अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए. जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए क्या करना है? वहां पे आपको एक टेस्ट चार्ज रखना है. ठीक है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड छोटा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज. ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ए निगेटिव चार्ज. ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज है क्यू वन और एक चार्ज है क्यू टू, दोनों पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, और यहां पे सपोज कर लीजिए ये एंगल थीटा है और इस लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है ड्यू टू चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट में. ठीक है, ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो देखिए यहां पे इस पॉइंट में ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? जस्ट नाउ वी हैव सीन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह होगा. सो दिस इज ई वन, ये हो गया इस चार्ज के लिए. ठीक है, अब ये क्यू टू है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो गया ई टू. ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा. ठीक है, यहां पे अगर रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा? रिजल्टेंट फील्ड, सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट होगा. तो इसका मतलब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर नेट रिजल्टेंट फील्ड को ई से लिखा हो तो ई इक्वल टू क्या होगा? ई वन प्लस ई टू. ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ई चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई मतलब रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई वन ई टू कॉस थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फील्ड का एक्सप्रेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एन चार्जेस हैं, ठीक है, अगर एन चार्जेस हैं तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? आपको ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन ई आई.
जैसे यहाँ पे दो फील्ड था तो दो फील्ड का रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट लिखा है, वैसे अगर एन एन चार्जेस होंगे तो उनका हर एक चार्ज का अलग अलग फील्ड लिखाना है और फिर उसका वेक्टर रिजल्टेंट लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अच्छा, सो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इस रीजन में ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? विल इट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसको स्टडी करने में देखिए, एक स्फीयर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया था मैंने स्टार्टिंग में जो समझाया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल क्यू चार्ज दिया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था? ऐसा था कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखा था क्यू नॉट, तो क्यू नॉट चार्ज किस तरह मूव कर रहा था? इस तरह मूव कर रहा था। ठीक है, सो दैट मीन्स ये टेस्ट चार्ज था नहीं, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने स्टडी किया था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसका था? इसका था। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज कहाँ मूव कर रहा था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, तो इस चार्ज का सपोज कर लीजिए मास m है। ठीक है, तो इस चार्ज के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाय मास। ठीक है, और ये फोर्स किसके लिए एक्सपीरियंस कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज लिखा था, नहीं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? क्यू नॉट इन टू, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? क्यू चार्ज। तो इस फोर्स, इस चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा? इस चार्ज के लिए फोर्स होगा वो होगा क्यू इन टू ई। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई बाय एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसका फोर्स कितना होगा? क्यू ई, और एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यू ई बाय एम। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा? निगेटिव चार्ज विल मूव ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो निगेटिव चार्ज किस तरह मूव करेगा? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, इट विल मूव ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एक्सेलरेशन सेम ही होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ठीक है, खाली उसका जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा, ये तो हो गया जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक है, मगर अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ठीक है, पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन कब होगा? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो नीचे की डायरेक्शन में है। ठीक है, इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा इस पूरे रीजन में। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज लिया है, चार्ज क्यू है, मास एम है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी यू। ठीक है, तो अब ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों ने अभी देखा ना पॉजिटिव चार्ज इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? नीचे की तरफ है। तो ये जो चार्ज है ये कुछ इस डायरेक्शन ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और, ठीक है, और इस तरफ ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, दिस मोशन इज टेकिंग प्लेस इन टू डायमेंशंस। ठीक है, मोशन इज टेकिंग प्लेस इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं, सिंस यहाँ पे दो एक्सिस पे मोशन हो रहा है तो मैं इसको दो एक्सिस में अलग अलग लिखता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यू एक्स हो गया वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए एक्स हो गया एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई हो गया डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस,
यू आई हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई हो गया एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो इसका मतलब यू एक्स इज इक्वल टू यू होगा और यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, यू आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस तरह वेलोसिटी अगर प्रोजेक्शन किया है, इस तरह थ्रो किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अच्छा ए एक्स, ए इज इक्वल टू जीरो होगा, इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, फोर्स क्या हो गया क्यू ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स बाई मास। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा क्यू ई, ये जो एक्सेलरेशन होगा ये किस तरह होगा, दिस अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल टू यू इन टू टी, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे टी इक्वल टू क्या आया, x बाई यू, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y इज इक्वल टू क्यू ई बाई ट्वाइस एम यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लिया है, ये जो हम लोगों को ये जो इक्वेशन मिला है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखिएगा 1.33। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 1.14, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से के वजह से हो रहा है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ज मतलब अगर क्यू बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्यू बाई एम रेशियो ज़्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ पे आया है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जिस चार्ज का, जिस पार्टिकल का मतलब चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ज़्यादा होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस यू हैव ए क्वेश्चन, एक्सरसाइज में देखिएगा, एक्सरसाइज 1.14। ठीक है, तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, हम लोग और भी चीज़ें पढ़नी है, मतलब अभी हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है वो देखा है। ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए कैसा होगा, रॉड के लिए कैसा होगा, रिंग के लिए कैसा होगा, स्फेयर के लिए कैसा होगा, वो हम लोग बाकी के वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और भी कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बोलिएगा, मैं जरूर हेल्प करूँगा। My best wishes.